जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। भाई है जो सबको करतब दिखाता है, तो लीजिए दूसरा भाई है जो तैयार है हीरो बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ निगम के भाई अभिषेक निगम की, जो अब मुस्कान यानी कि ऐशा के साथ मुस्कान बिखेरने को तैयार हैं। हीरो बनकर आए हैं तो ऐशा उनकी हीरोइन बनी है इस नए शो में। ऐशा और अभिषेक के इस शो में इस साइंस की कहानियाँ भरपूर है। यहाँ पर आपको एक स्पेसशिप भी नजर आएगा तो एलियन भी। ये शो एक साइंस फिक्शन सुपर हीरो शो है, और मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा इस शो में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मतलब एक्चुअली इसमें सारी ही चीज़ें हैं कुछ है। और जो चीज़ें नहीं भी होनी चाहिए वो भी है, स्पेसशिप, एलियंस और मतलब बहुत सारी चीज़ें भी हैं इसमें। मतलब मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ, मुझे एक ईविल रिंग मिलती है जिसके थ्रू मैं कन्वर्ट होता हूँ और मैं हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता। सोचिए ये जादुई शो देखने में आप सबको कितना मजा आएगा। ऐशा और अभिषेक की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करेंगे, ये तो हम जान ही गए हैं। एलियंस टू, एक मिनट, ये एलियंस वीनस से आए हुए हैं। वीनस से आने के बावजूद हमने देखा है कि पूरे सैनिटाइजर और इनका सब कुछ चेक हो पाला। इनके लिए हमने खास ऑक्सीमीटर्स मंगवाए हैं। They are really, इनको जान दी गई है, जो ये मेकअप वर्क है, जो ये कॉस्ट्यूम वर्क है, पूरा ये जो प्रोस्थेटिक का जो पूरा मेकअप बनाया गया है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेयर ऑल्सो। और ये मतलब पूरा 12 घंटे आप इसे पहने रहते हैं, और मतलब अगर आपको हल्का सा भी एसी से हटे तो पूरा स्वेट हो जाता है। बट स्टिल जिस तरह से मतलब आप मतलब कैरी करते हैं सारे एलियंस, पता ही नहीं चलता है कि मतलब शायद वो अंदर से गर्मी आ रही है। हीरो गायब मोड ऑन, इस शो के नाम से ही समझ जाइए कि कितना रोमांचक होगा सब टीवी का ये शो। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, अवार्ड नाइट्स की जो फील होती है ना, वो अपनी होती है। ऑफ कोर्स दोज अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एंड फिर वो अवार्ड्स की बरसात, लेकिन उससे पहले आता है रेड कार्पेट, जिसका एक अपना ही चार्म होता है। कौन किसके साथ आया, क्या पहनकर आया, किसने क्या बोला वगैरह वगैरह। तो चलिए आपको लिए चलते हैं जी रिश्ते अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर। रात में पूरे साल का जश्न मनाएंगे, कुछ ऐसा ही मन में लेकर आए हैं जी टीवी के ये सभी सितारे। जहाँ पर कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, तुझसे है राब्ता, कुर्बा हुआ हमारी वाली गुड न्यूज, ब्रह्म राक्षस, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, इन सभी सीरियल्स के सितारे आज मौजूद हुए जी अवार्ड रिश्ते के रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाने के लिए। ए
एक बात आपको बता देते हैं, आज यहाँ पर सभी परिवार इकट्ठा हुए हैं और हाँ सबसे जरूरी, हर परिवार का अपना एक प्यार का रंग है। हे कुमकुम भाग्य के अभी और प्रज्ञा, हे प्राची और रणबीर, रिया आलिया, इनके प्यार का रंग है ब्लू और इसीलिए तो आज इन्होंने इस रंग को चुना है। सब लोग आए हैं, सब लोग चाहते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट हो और साथ ही साथ हम एक तरीके से अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकें। ये ड्रेस है ब्लू ड्रेस, बिकॉज हमारे फैमिली का थीम है ब्लू एंड अंकिता जो मेरी स्टाइलिस्ट है उन्होंने ये गाउन सेलेक्ट किया है। तृप्ति ने ये डिज़ाइन किया है, बहुत प्यारा है, बहुत कूल है, जूते भी नुकीले हैं, अच्छा लगा। लेकिन आज कुछ अलग ये हटके लग रहा है। ओह द हेयर गेम इज टू स्ट्रांग टुनाइट। इधर से घिस के चला गया। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई थिंक ऐसा कंटिन्यू रहे, हम ऐसे ही कुछ करते रहे इवेंट्स। जी रिश्ते वाज इज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। मुझे है ना एक जन है साथ में। मुझे एक कोई कह रहा था मोर, कोई कह रहा था मरमेड। लेकिन हाँ, इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है, लोग दूर रहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट माय आउटफिट। आई थिंक दिस इज आउटफिट ऑफ द सीजन, जस्ट स्वीट एंड सेक्सी, दैट्स इट। कुंडली भाग्य की प्रीता, प्रीता की सासुमा मायरा, इन सभी का रंग है शांति का, इन सभी का रंग है सफेद। अब सफेद रंग चांदनी बिखेरता है तो यहाँ पर प्रीता भी चांदनी बिखेर रही है। कोविड है और इट्स वेरी मच हियर एंड इट्स नॉट गॉन एनीवेयर, तो व्हाट बेस्ट वी कैन डू, वी हैव टू लिव आल्सो एंड वी हैव टू डू स्मॉल सेलिब्रेशंस। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ जी रिश्ते अवार्ड्स का काफ़ी सारा चंक जो है इस बार ही प्री शूट हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वर वोन, तो काफ़ी प्रिकॉशंस रखे गए से एंड शी मेड दिस ओवरनाइट फॉर मी, क्योंकि कुंडली भाग्य का जो कुटुंब का रंग है वो सफ़ेद है। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वाइट वेडिंग के लिए तैयार हूँ बस। अमर और शांति की देवी बनकर आई हूँ मैं पूरे आज वाइट क्लोथ में। सो बस यहाँ से सोच रही हूँ कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि सफ़ेद कपड़े तो मैंने पहन ही लिए हैं। अगली भाग्य के लिए वाइट थीम है, सो इट्स ऑल वाइट एंड वेरी बेसिक आई ट्राई टू डू। अब गुड्डन के गुलाबी रंग को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि गुड्डन का रंग गुलाबी है। गुड्डन के परिवार ने गुलाबी रंग को चुना है और सच में इस गुलाबी रंग में ये सभी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। Yes.
सो या हमारी थीम है पिंक, क्योंकि आपको पता है हर कुटुंब की एक अपनी कलर थीम है. सो यस, गुड्डन परिवार की थीम है पिंक. सो या ऑफ कोर्स पिंक, उसमें तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कहने की ज़रूरत ही नहीं है. यस, अपने मेकअप और हेयर के बारे में ज़रूर कहूँगी कि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की ट्राई किया, जो मैं हमेशा करती हूँ. एवरीवन नोज़ कि मैं हमेशा कुछ एक्सपेरिमेंट करना मुझे. हे प्यार तो है और दर्शकों से राबता भी, तो तुझसे है राबता के कल्याणी और मल्हार ने. तो पर्पल रंग को चुना है, अब पर्पल रंग होता ही है सादगी का, प्यार का, एक रिश्ते का. और जो रिश्ता मल्हार और कल्याणी ने दर्शकों से बनाया है. Styled me and I think she just knows that what I want. Unse behtar mujhe koi aur nahi samajh sakta. So wo hamesha mujhe ek hi picture bhejti that this is this what you like and it's just always the best. And yaar, I'm glad ki hum sab kuch wapas life pe ja rahe hain. Normal sab kuch theek ho raha hai, acha ho raha hai. I'm excited aur I hope this time we win more awards. Ab aage badhte hain aur chalte hain Neel aur Chahat ke paas, jinka rang hai hara, yani ki khushhali. Ab inki zindagi mein ye khushhali to hai hi na, isiliye to inhone hara rang chuna hai. Mera look dekho, ek to hame green color bola, upar se hamare show ka naam hai Qurban Hua. तो जब भी हम मुस्लिम अटाया की बात करते हैं, तो जो मुस्लिम अटाया को जो ड्रेस जो कलर बहुत इन्हांस करता है, दैट इज़ द ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर इंडियन में तो मुस्लिम अटाया में तो ग्रीन कलर सूट हो जाता है. तो वही टास्क था कि तुम वेस्टर्न में उसे कैसे ब्लेंड करते हो. आई थिंक वी हैव डन अ प्रीटी वेल जॉब. अभी अभी जी परिवार का हिस्सा बने हैं अंगद और कालिंदी, और इनका सीरियल भी तो है ब्रह्म राक्षस, इसीलिए तो इन्हें मिला है ब्लैक कलर. डेफिनेटली खुशी की बात है, बहुत रिस्की बात भी है. हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं. हमारे मास्कों को ना देखते हुए कभी मत सोचना कि हम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं. हम लोग इंटरव्यूज के लिए उतार रहे हैं या परफॉर्मेंसेज के लिए उतार रहे हैं, अदरवाइज हम लोग भी मास्क ला के घूम रहे हैं. एंड साइमल्टेनियसली मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि आप लोग प्लीज घर पे रहें, सेफ रहें. गुड न्यूज के पास भी चलते हैं, जो गोल्डन रंग में खूब इतरा रही हैं रेणुका और नव्या. आज भी देखिए कहाँ लग रही हैं सास बहू की जोड़ी. इन्हें देखकर तो लग रहा है ये तो सहेलियां हैं. का एक कलर है और हमारे हमारी वाली गुड न्यूज़ का जो कलर है वो है गोल्ड. सो आई एम ड्रेस्ड अप इन गोल्ड. जो अवार्ड्स की टैगलाइन है वो ये है कि पूरे एक रात में पूरा साल मनाएंगे. एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. हम अगर प्रोमो भी देखा होगा, हम सारे त्यौहार मना रहे हैं. अब टाइम टाइम की बात है, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी की, जिनका टाइम आ गया है. नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए तो इन्हें रंग मिला है लाल. नहीं नहीं, रानी को मुंबई की हवा लग गई है, जी रिश्ते अवार्ड की हवा लग गई है. वैसे कलर रेड है हमारा एंड यस गाउन मर्मेड जैसी लग रही हूँ मैं, सब कह रहे हैं. जी रिश्ते अवार्ड की शाम सच में बहुत ही यादगार रहेगी. कोरोना काल है तो क्या हुआ, अवार्ड फंक्शन को बड़ी ही सावधानी के साथ मनाया गया. जहां पर केवल सितारे थे, हर किसी के पास मास्क था. और आपको बता दें, इस अवार्ड फंक्शन में ऑडियंस नहीं थी, केवल सितारे थे जो अवार्ड में मौजूद थे. तो
तो भाई कोरोना काल का ये सबसे पहला अवार्ड था जो बड़ी ही शांति से और सावधानी के साथ बीत गया। और अब बात करते हैं अप्रिसिएशन अवार्ड की, जो कि मिला है अनुपमा सीरियल को। अब इसे ही कहते हैं बड़प्पन। दूसरे चैनल के सीरियल को अप्रिसिएशन अवार्ड देना, भाई ये हर कोई कहाँ करता है। सबकी मेहनत है और सारी टीम की मेहनत है और हम आज आ रहे हैं टीम को रिप्रेजेंट करते हुए। वो अवार्ड जो जी दे रहा है, अप्रिसिएशन जो दे रहा है, इट्स अ नाइस जेस्चर। लेकिन ठीक है, जी टीवी ने पहल की है तो अब आगे भी बाकी चैनल्स भी कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अवार्ड की ये शाम हमेशा याद रहेगी हमें। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। संडे का दिन यानी चिल करने का दिन, और चिल करते करते कुछ एक्साइटिंग बातें हो जाए तो कैसा रहे। तो चलिए आप देखिए हमारी ये खास खबर। अवार्ड फंक्शन का दिन हो और पर्दे के पीछे की अफरा तफरी ना देखी तो भला अवार्ड फंक्शन का मजा नहीं आता है। रेड कार्पेट पर तो आप देखते ही हैं सभी को, जो फोटो खिंचवाने के लिए एकदम अप टू डेट और स्टाइल में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन असली मजा तो होता है पर्दे के पीछे का, जहाँ पर भागम भागी होती है, कपड़े संभालने होते हैं, मेकअप बराबर है कि नहीं वो देखना होता है। और हाँ, सामने जब कोई कलीग दिख जाता है तो भाई उससे बातें करना भी रह जाता है, बस खाली हेलो कहकर ही आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अंदर स्टेज पर सब इंतजार जो कर रहे होते हैं। अवार्ड फंक्शन हो, पर्दे के पीछे तो एक कैमरा रखना ही होता है, क्योंकि असली कहानी वहीं से पता चलती है और वहीं से गॉसिप भी मिलती है। पर्दे के पीछे वो भी मिली जिसका रिश्ता हम सबसे बेहद पवित्र है, यानी कि अर्चना। हम बात कर रहे हैं अंकिता लोखंडे की, जो इस अवार्ड फंक्शन में सुशांत सिंह राजपूत यानी कि मानव को ट्रिब्यूट देने वाली है। तो बस इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और इट्स ऑलवेज माय प्लेजर कि मैं यहाँ आकर जी के लिए कुछ कर सकूँ, और एक अटूट बंधन है जी का। जी हाँ, मतलब सुशांत को ट्रिब्यूट से ज़्यादा आई थिंक सुशांत जी का हिस्सा रहा है हमेशा, एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं सुशांत के लिए ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। देखिए देखिए, हम पांच की स्वीटी भी है यहाँ पर, तो भाई शादी मुबारक की एक्स प्रीति यानी कि राजजी ठाकुर भी। अब राजजी ठाकुर से मिले तो हमने उनसे बात भी की कि राजजी आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने इतना अच्छा सीरियल शादी मुबारक रातों रात छोड़ दिया। इस पर देखिए उन्होंने क्या कहा। हाँ, बहुत मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए, सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन था। मैंने बहुत सोचा उस बारे में, बहुत मतलब वे आउट निकालने की हमने बहुत कोशिश भी की, पर वो नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे हाथ में नहीं होती, शायद ये दर्शकों को या आपको समझ में नहीं आएगा, पर बहुत वैलिड रीज़न्स थे, बिकॉज आई एम अ मदर, सो वो मैं ही समझती हूँ और शायद कोई माँ ही समझ पाएगी। तो मेरे पति अभी भी कहते हैं कि
देखो कितना प्यार मिलता है, अभी भी लोग तुम्हें बुलाते हैं, तो ये बहुत तुमने गलत किया है। तो लेकिन हाँ, वो गुस्से में या ऐसे मतलब हाइपर होके कभी कभी कह भी देते हैं, पर मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं और मुझे मालूम है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए। आई थिंक दर्शकों को भी ये चीज़ पता है और समझते हैं। अब उर्वशी ढोलकिया को देखिए, उन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि उर्वशी यहाँ पर क्या कर रही है, कि क्योंकि जी पर हाल फिलहाल उनका कोई शो तो है नहीं। अब भी शो नहीं है तो क्या हुआ, उन्होंने हमें बताया कि शायद वो अवार्ड देने वाली हैं। तो वहीं गुड्डन के एजे भी आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने। गुड्डन प्रीता की भागम भाग है, तो वहीं नव्या भी अपनी सासू माँ को ढूंढ रही है। एक कुछ ऐसा ही माहौल होता है बैक स्टेज का, जिसे देखने के लिए हम जानते हैं कि आप भी उत्सुक रहते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।